हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केसरवानी एकेडमी। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सोलर एयर हीटर। सोलर एयर हीटर क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे एग्जाम में। तो पहला पॉइंट देखिए इसका, आप लोग बताएंगे कि सोलर एयर हीटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सन के द्वारा आ रही सोलर रेडिएशन से एनर्जी जो निकल रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उस एनर्जी को कैप्चर करना, ठीक है, कैप्चर करना मतलब इकट्ठा करना किसके द्वारा, एब्जॉर्बिंग मेथड के द्वारा, और फिर उस एनर्जी का यूज करके एयर को हीट करना ही हमारा सोलर एयर हीटर का प्रोसेस कहलाता है। सेकेंड पॉइंट क्या बताएंगे आप लोग कि सोलर एयर हीटर को हम लोग कहाँ कहाँ पे इसको लगा सकते हैं, रूफ में, छत में, वॉल, दीवार और विंडो। इसको आप लोग रूफ, वॉल और विंडो, इन जगह पे इसको आप लोग लगा सकते हैं। और इन जगह पे लगाने के बाद जो एयर वहां से पास हो रही है उस एयर को ये हीट कर देता है। थर्ड पॉइंट देखिए आपको क्या बताना है कि सोलर एयर हीटर एक प्रकार से आप लोग समझिए ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर ही होता है एब्जॉर्बिंग प्लेट के साथ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या बताएंगे आप लोग कि एक प्रकार से ये ट्रांसपेरेंट कवर सिस्टम होता है टॉप से, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग ट्रांसपेरेंट कवर लगा हुआ है डायग्राम में, ये ऊपर ये ट्रांसपेरेंट कवर सिस्टम होता है एट द टॉप, एंड बॉटम से या इंसुलेशन सिस्टम होता है। यहाँ पे देखिए इंसुलेशन पूरा किया गया है, ये पार्ट इंसुलेशन का आता है। फिफ्थ पॉइंट देखिए द होल असेंबली इज इंक्लोज इन अ सीट मेटल कंटेनर। ये जो पूरा कंटेनर है ये हमारी सीट मेटल से बनी हुई होती है, ये आप लोग फिफ्थ पॉइंट बताएंगे। चलिए देखिए आप डायग्राम से समझते हैं कि सोलर एयर हीटर क्या होता है। आपको डायग्राम में एक बॉक्स बना देना है, ठीक है। बॉक्स के ऊपरी पार्ट पे, टॉप पार्ट पे आपको एक ट्रांसपेरेंट कवर रख देना है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट कवर क्या करता है, ये आपकी जो सोलर रेडिएशन सन के द्वारा आ रही होती है उनको आर पार भेजता है, ठीक है। अब यहां से सोलर रेडिएशन आ रही है सन के द्वारा, ठीक है, तो यहां पे देखो सोलर रेडिएशन ये मैंने बना रखा है। अब ये सोलर रेडिएशन ट्रांसपेरेंट कवर को पार करके अंदर आ रही है, तो जब यहां पे इस पार्ट पे आएंगी सोलर रेडिएशन तो यहां पे हीट जो है जनरेट होएगा, ठीक है। इस पार्ट पे हीट जो है कलेक्ट होने लगेगी, तो देखो कुछ सोलर रेडिएशन जो है आती है इस पार्ट पे, तो ये आपस में रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है फिर से वापस, तो उन्हें हम लोग कहते हैं उस सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्शन रेडिएशन, ठीक है। और कुछ रेडिएशन लॉस होती है, रेडिएशन लॉस क्या होता है कि जब सोलर रेडिएशन अंदर आती है तो कुछ यहां से वापस चली जाती है, तो उन्हें हम लोग कहते हैं रेडिएशन लॉस, ठीक है। तो इतना पार्ट आपको समझ गए कि यहाँ पे हीट जो है कलेक्ट हो रही है। अब देखो ये एब्जॉर्बर प्लेट लगा दी गई है, ये जो मैंने ब्लैक कलर की मोटी परत बना रखी है ये एब्जॉर्बर प्लेट है आपकी। एब्जॉर्बर प्लेट का क्या मतलब होता है, ये आपकी हीट जो कलेक्ट की गई है उसको एब्जॉर्ब करता है, तो ये एब्जॉर्बर काम करेगा, जो हीट यहाँ पे कलेक्ट की गई इसकी ऊपरी पार्ट पे उसको ये कलेक्ट करेगा। फिर एब्जॉर्बर प्लेट के नीचे हम लोग एयर पासेस का सिस्टम बना देते हैं, मतलब इसका मेन काम यही तो होता है एयर हीटर का, सोलर एयर हीटर का, कि एयर को हीट करना, ठीक है। तो यहां से देखो नॉर्मल एयर जो हमारे घर के पास की एयर है, जो जैसे आप लोग रूफ में लगाते हैं, वॉल पे लगाते हैं या विंडो पे लगाते हैं, तो जो एयर वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर की वो यहां पे एयर पास की जाती है। जब एयर यहां से पास होएगी तो ये जो एब्जॉर्बर प्लेट है जो हीट को एब्जॉर्ब करे बैठा है, वो एब्जॉर्बर प्लेट अब एयर को यहां पे हीट करने लगेगा, ठीक है। अब फिर जब हीट करने लगेगा तो यहां से फिर एयर जो हीट की गई है यहां से फिर बाहर निकलती है, तो एयर आउट का यहां पे सिस्टम है, यहां से जो है गर्म हवा बाहर आने लगती है क्योंकि वो एब्जॉर्बर प्लेट के द्वारा गर्म कर दी गई है। अब इसके नीचे पार्ट में देखिए क्या है, इंसुलेशन। इंसुलेशन का यहां पे पार्ट क्यों किया गया है, इंसुलेशन का मेन वर्क यही होता है कि जो हीट जो कलेक्ट करी गई है, एब्जॉर्ब करी गई है, उस हीट के लॉस को बचाना ही इंसुलेशन का मेन पार्ट होता है। हीट बचाने का कैसे क्या मतलब है, जो देखो हीट अगर खत्म हो जाएगी जो कलेक्ट की गई है तो हमारा एयर हीट ही नहीं होएगी, एयर हमारी गर्म ही नहीं होएगी, हवा गर्म ही नहीं होएगी, ठीक है। तो इसी पार्ट को रोकने के लिए इंसुलेशन यहाँ पे की जाती है जिससे ये हीट लॉस को बचाती है, रिड्यूस कर देती है, लेकिन तब भी कुछ पार्ट जो है हीट लॉस करता है, ठीक है, तो उसे हम लोग कह देते हैं कंडक्शन लॉस, ठीक है। डायग्राम में नहीं लेकिन आप लोग जब वर्किंग बताइएगा तो वहां पे शो करिएगा, वहां पे बताइएगा कि कुछ हीट लॉस होती है उसे हम लोग कहते हैं कंडक्शन लॉस, ठीक है। तो आपको यही बताना है और आपको डायग्राम ये शो कर देना कि बॉटम ऑफ कलेक्टर, ये जो कलेक्टर बना हुआ है इसका बॉटम पार्ट ये होता है। तो आपका मेन यही सिस्टम होता है सोलर एयर हीटर का कि कैसे सोलर रेडिएशन आती है, हीट कलेक्ट करी जाती है एब्जॉर्बर प्लेट के द्वारा, फिर एब्जॉर्ब करी जाती है वो हीट को, और फिर ये एयर को कैसे हीट करती है, तो ये आपका आता है सोलर एयर हीटर के वर्किंग सिस्टम में। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।